किसी को कोई फिक्र नहीं है। इस घर को देखकर लगता है कि आज मेरी बेटी की सालगिरह का जश्न है। हेलो, कॉर्नर पॉइंट जी, मैं अमीना विला से शमा बोल रही हूँ। जी हाँ, अमीना विला से। अरे आपको याद है ना, आज मेरी बेटी नरगिस की सालगिरह का केक भेजना है आपको। जी हाँ, तो कहाँ है आइस केक? मुझे कुछ नहीं मालूम, शाम को 7 बजे तक मुझे केक मिल जाना चाहिए। जी हाँ, सब कहते हैं याद है याद है, खाक याद है, फिर बाद में यही कहेंगे मैडम हम भूल गए थे, आपने ही फोन करके याद दिला दिया होता। अब इन्हें भी मुझे ही याद दिलाना होगा। अपने आप को प्यारे अब्बू जानी कहलवाते हैं, इन्हें भी मुझे ही याद दिलाना होगा कि आज इनकी बेटी की सालगिरह है, जल्दी घर आ जाइए। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप? मैं ऑफिस में हूँ, और कहाँ। पहले आप ये बताएं कि आपका बुखार कैसा है। आप हमारे बुखार का टेंशन छोड़ दीजिए, आप हमें ये बताइए कि आज बेटी की सालगिरह के रोज आप ऑफिस में ही तशरीफ फरमा रहेंगे या घर भी आएंगे? सालगिरह की तैयारियां घर में करनी है, ऑफिस में नहीं। बेशक बेगम, बेशक। अजी हम तो आपकी सारी बातें हमेशा कबूल करते हैं। बाकी रही सालगिरह की तैयारियों की बात, तो उसका सारा अरेंजमेंट हम पहले से ही करवा चुके हैं। आप तो बस आराम कीजिए बेगम, और देखिएगा कि शाम को हमारा अमीना विला कैसे रोशनियों से जगमगा उठेगा। चलिए, आप कह रहे हैं तो जरूर कुछ किया होगा, शाम को देख लेंगे। अच्छा सुनिए, आपने बज़्म चिश्तियाँ में हमारे पीर हजरत को फोन किया है या नहीं? अरे बेगम, पीर साहब को बुलाना हम कैसे भूल सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पीर साहब इस वक्त लंदन में है, लेकिन उन्होंने हमारी नरगिस के लिए दुआएं दी हैं। वो कह रहे थे कि आप देखना, आपकी बेटी नरगिस एक दिन दुनिया में अपनी मिसाल कायम करेगी। आमीन, इंशाल्लाह। हमारे पीर हजरत ने कहा है तो वो जरूर इस दुनिया में मिसाल कायम करेगी। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, आप फौरन घर आ जाइए बस। जी हाँ, अल्लाह हाफिज। अब जान में जान आई है, शाम तक सब इंतजाम हो जाएगा। देखे ना अम्मी जान, अब जाकर सारा इंतजाम हुआ है, नहीं तो यूं ही रह जाता सब। रात भर तुम बुखार में तपती रही हो, और सुबह से ही पार्टियों की तैयारियों में लगी हो। बेटी थोड़ा सा आराम कर लेना था। अम्मी जान कैसे आराम कर लेती, आपको याद है ना आज हमारी बेटी की सालगिरह है। जानती हूँ बेटी कि वो तेरी खुशी है, तेरी ताकत है, लेकिन जब तक वो आएगी ना तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। अम्मी जान वो जा कहाँ रही थी, रात भर मेरे सराहने बैठी रही। जब बुखार कम हुआ तो मैंने ही जिद करके भेजा नरगिस को। भाई वो तभी आएगी ना जब उसका वो जिम, टेनिस, बैडमिंटन वगैरह वगैरह खत्म होगा। काजल, मेरी दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, अम्मी जान और अब्बू जान। और ये अब्बू जान है ना, उनकी तो दुनिया ही मैं। अगर सुबह सुबह मुझसे बात ना कर ले तो उनकी सुबह नहीं होती है। कितना प्यार करते हैं ना तुम्हारे अब्बू जान। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हैं आप? I'm absolutely fine. और कहाँ हैं आप? मैं कार में। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आप जा कहाँ रहे हैं? अब्बू जान, मैं काजल के साथ स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछे। अब्बू जान, आप रोज सुबह मुझसे बात करके ऑफिस जाते हो, राइट? राइट। और फिर भी ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन करना नहीं भूलते, ऐसा क्यों?
बेटा इस बात को तो इतने साल हो गए, हम तो हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन आप ये सवाल आज क्यों कर रहे हैं हमसे? अब्बू जान, मैं नहीं जानना चाह रही हूँ, ये काजल जानना चाह रही है। ओ। कि एक बेटी और अब्बू के बीच के रिश्ते की गहराई क्या होती है? इसलिए कि इस बाप की जान हमेशा अपने बेटे में अटकी रहती है, तो जब बेटा आंखों के सामने नहीं होता तो हम फोन पर बात कर लिया करते हैं। अब्बू जान, देखने के लिए तो आपके केबिन में मेरे इतने सारे फोटो भरे पड़े हुए हैं। हाँ बेटा, आपकी फोटोज को देखकर हमारी आंखों को तो तसल्ली हो जाती है, लेकिन क्या करें, इस बाप के दिल को करार नहीं मिलता। अबू जान, I love you. I love you too, बेटा। अच्छा सुने, वो आपकी अम्मी जान का फोन आया था? नहीं, क्यों? क्या कह रहे थे वो? नहीं नहीं, अम्मी जान कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि हम आपसे कुछ कह रहे हैं। बेटा बात ऐसी है कि आप जानते हैं ना कि कल अम्मी जान को बुखार था, इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आज आप घर जरा जल्दी आ जाएं तो। अच्छा अबूजान, हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे। माय गुड बेटा, माय ग्रेटेस्ट अबूजान, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, बाय। काजल, मेरे अबूजान मुझे बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि मैं सैयद नरगिस इलाही हूँ। वो मुझे सरप्राइज देना चाहते हैं ना, लेकिन मैं उनको सरप्राइज दूंगी। क्या गजब ढा रहा है मेरा बेटा। लेकिन अम्मी जान, हम ये गजब क्यों ढाने जा रहे हैं? अभी तक ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाएगी। और खुदार, अपने इस बाप लियाकत अंसारी को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। आपको समझना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, पिछले 24 साल से तो समझता आ रहा हूँ। फिर भी नहीं समझे बेवकूफ। तो फिर क्या समझाना चाहते इस मासूम को आप? इसे शातिरपन सिखाना चाहता हूँ, कोई एतराज है आपको? बिल्कुल है, माँ हूँ, एतराज क्यों नहीं होगा? क्यों गलत राह दिखाना चाहते इस मासूम को आप? मुझे मत सिखाओ अपनी थ्योरी। बाप हूँ, पल्लू से बांध कर रखने वाली माँ नहीं। बेटे की जिंदगी में बहारें लाना हर बाप का फर्ज होता है, और वही अंजाम दे रहा हूं मैं इसे। और सुन, केक काटते वक्त नरगिस के साथ में ही रहना, समझ गया? और सुनो, फिर कह रहा हूं, चलना हो तो चलो, नहीं तो यहीं रहो, समझ गई? क्यों बेइज्जत करने ले जा रहे हैं हमें आप? क्या आप जानते नहीं, नरगिस की सालगिरह पर उन्होंने सब गेस्ट को इनविटेशन कार्ड भेजे मगर हमें नहीं भेजा, फिर क्यों जा रहे हैं हम? यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, क्यों ले जा रहे हैं आप हमें वहां पे? अबे तू कोई लाट साहब की औलाद नहीं है, लियाकत अंसारी की औलाद है, और कार्ड उन्होंने भेजे हैं अपनी बराबरी वालों को, जिनके सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं। लो अम्मी, सुनो, ये मानते हैं कि उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं है, फिर भी नरगिस के साथ मेरी शादी के ख्वाब देखे जा रहे हैं। देख रहा हूं, क्योंकि बेटे मैं कोरे ख्वाब नहीं देखता। अपने ख्वाबों को हकीकत का लबादा पहनाने की शातिर अक्ल भी रखता हूं। बेशक उन लोगों के सामने हमारी औकात दो कौड़ी की है, लेकिन उंगली पकड़कर गर्दन पकड़ने का फन हमें आता है। आज की शाम मेरे ख्वाबों को हकीकत का जामा पहनाने की शाम होगी। आज या तो उन बड़े लोगों की गर्दन मेरे हाथ में होगी, या फिर हमारी औकात उनके कदमों में।
पे देर से आती है, ऊपर से अम्मी जान को डराती है। ठीक है, आज मेरी आवाज़ सुनकर आप डर गई, लेकिन सच्चाई ये है कि खुश भी आप मेरी आवाज़ सुनकर ही होती हैं, है ना? क्योंकि आपकी अम्मी जान की हर खुशी आपसे शुरू होकर आप पर ही खत्म होती है। वैसे ये बताइए कि आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी, याद भी है आज क्या है? ये लीजिए। वल्लाह क्या है इसमें? गिफ्ट है, बाद में देख लीजिएगा। यानी कि तुझे याद था? अम्मी जान, आप और अब्बू जान मुझे भुलक्कड़ समझकर सरप्राइज देना चाहते थे ना, लेकिन मैं भी आप ही की बेटी हूँ, हमने आपको सरप्राइज दे दिया। और जानती हूँ कि आज ही के दिन गिफ्ट देकर पूरे साल आपसे गिफ्ट लेती रहती हूँ, तो फिर बताइए आज का दिन कैसे भूल जाती? और हम इस गफलत में थे कि हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। मगर सरप्राइज तो हमने दे दी। अल्लाह, देखते हैं इसमें आप क्या लेकर आई हैं। अल्लाह, इतना महंगा सूट। अम्मी जान, जाइए अम्मी, हम आपसे बात नहीं करते हैं। क्यों भाई, क्यों, हमने ऐसा क्या किया? आपने हमारे तोहफे की तोहिन जो कर दी। नहीं भाई, हमने तो अम्मी जान, आप ही ने तो कहा था ना कि गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि देने वाले का दिल देखा जाता है। सॉरी बाबा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो फिर एक किसे दे दीजिए। अच्छा। यस, गुड गर्ल। कितने बड़ी हो गए ना नरगिस, तोहफे भी अच्छे अच्छे देती है अपनी अम्मी जाने को। अच्छा ये बताओ, तूने सबसे पहला गिफ्ट कब दिया था? सिंपल, आज ही का दिन होगा। जानती हूँ, सालगिरह तुम्हारी होती है और तोहफे हमें मिलते हैं। आज तुम्हारे सारे दिए हुए तोहफे दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो नरगिस, जब तुम 12 साल की थी तो तुमने अपने नन्हे नन्हे हाथों से लिखकर ये ग्रीटिंग कार्ड मुझे दिया था। देखो क्या लिखा है। आई लव यू अम्मी जानी। आई लव यू अम्मी जान। उसके बाद तुमने मुझे ये सोने की चूड़ियां दी। फिर ये सोने की चैन। ये तुम दादी जान के साथ जाकर लेकर आई थी। हाँ। उसके बाद तुमने मुझे ये पन्ना की अंगूठी दी थी और आज ये सूट। किस, तुम्हें पता है आज भी मेरे लिए सबसे प्यारा तोहफा कौन सा है? तुम्हारे अपने हाथों से लिखा हुआ ग्रीटिंग कार्ड। आई लव यू अम्मी जानी। अम्मी जान, आपने मेरी दी हुई एक एक गिफ्ट अभी तक संभाल के रखी है। सहेज कर रखी है मैंने यादें। कल जब तेरी शादी हो जाएगी तो तू अपने ससुराल चली जाएगी। तेरे बगैर तेरी अम्मी जी नहीं पाएगी मैं नरगिस। तब ये तेरी गिफ्ट है ना, नरगिस बनकर हमारा सहारा बनेंगी। किसने कहा आपको कि हम आपको छोड़कर कहीं जाएंगे? अम्मी जान, हम इस घर को और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम आपके साथ पूरी जिंदगी यहीं रहेंगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है, हर बेटी को अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। ये दस्तूर हम कैसे बदल सकते हैं? मैं नहीं जाऊंगी अम्मी जान, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बदल दूंगी सारे दस्तूरों को, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहूंगी इस घर में आपके साथ, नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जाना।
सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू अम्मी जान। अब हमारी नरगिस को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे नरगिस। थैंक यू अंकल। जीती रहो बेटी। अल्लाह तुम्हें दौलत से मालामाल रखे, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता मेरे घर की तरफ जाता है। खुश रहो। नरगिस मुझे केक नहीं खिलाओगी? ये लो पूरा केक, तुम भी खाओ और सब में बांटो। देखिए हुजूर, वक्त भी किस रफ्तार से चलता है। कल तक जिस छोटी सी बिटिया को गोद में बिठाकर आप केक कटवाते थे, आज देखिए कितनी बड़ी हो गई। बेटियां देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। लड़का हुजूर, अब एक अच्छा सा लड़का देख के बड़ी शान और शौकत के साथ उसकी शादी कर दीजिए। आप ही हमें शादी तो करनी है अपनी नरगिस की, लेकिन उसके लिए कोई अच्छा सा कोई खानदानी लड़का तो मिल जाए। हुजूर लड़का है और उसे अच्छी तरह जानते भी हैं आप। लड़का है और हम उसे जानते भी हैं? जी हाँ। मियां ऐसा कौन सा लड़का है जो हमारे इतना करीब है लेकिन हमारे इस नेक ख्याल से महरूम है? हुजूर बहुत अच्छा लड़का है और वो नरगिस को चाहता भी बहुत है। साथ में खेले हैं, साथ में पढ़े हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं लियाकत मियां? हम कुछ समझे नहीं। हुजूर मैं अपने लड़के की बात कर रहा हूँ, हमारे आदिल की। वो नरगिस को दिलो जान से चाहता है। कैसे हुई हमारी बेटी नरगिस के साथ अपने बेटे आदिल का नाम जोड़ने की? तुम जानते नहीं नरगिस किसकी बेटी है? नरगिस हमारी बेटी है, फरमान इलाही की बेटी। और तुम हमारी कंपनी में काम करने वाले एक अदना से मैनेजर और कुछ नहीं। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत एक मैनेजर की है तो कभी भी तुम्हारी बेटी का हाथ नहीं मांगता। बात खुल गई है तो ये भी सुन लो कि नरगिस की रगों में बहने वाला खून आपका नहीं बल्कि आपके दोस्त हमीद का है। निकल जाओ मेरे से, निकल जाओ। निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले इतना कहना चाहता हूं कि खुद मुखालते में रहते हुए क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्यों उसकी जिंदगी तबाह कर रहे हो? बता दो उसको, बता दो उसके कि उसके वालदन मर चुके हैं, वो यतीम है, यतीम। उसके वालदन मर चुके हैं, वो यतीम है, यतीम। के वालदन मर चुके हैं, वो यतीम है, यतीम।